बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम को कोई ना कोई मोजज़ा दिया गया। हमारे पैगंबर तमाम जहानों के पैगंबर थे, तमाम ज़मानों के पैगंबर थे, क़यामत तक आने वाले इंसानों के पैगंबर थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ा भी ऐसा ही दिया गया जो क़यामत तक आने वाले इंसानों को अपने एजाजात दिखाता रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान करीम की शक्ल में दिया गया। कुरान करीम के एजाजात में से इसका एक एजाज़ इसका डिवाइन म्यूज़िक भी है, यानी हर शख्स ही इसे पढ़ते हुए झूमने लगता है और इसे खूबसूरत आवाज़ में खुशुलहानी से पढ़ने की कोशिश करता है। हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है कि कुरान करीम को अपनी आवाज़ों से जीनत बख्शो। सुनिए इस खूबसूरत आवाज़ और ख़ूबसूरत अंदाज़ वाले कारी कुरान को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतें हों इस शख्स पर। अल्लाह हमें भी कुरान करीम से ऐसी ही मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشهد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا